हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। बात कर रहे हैं हम डेली करंट अफेयर्स की और आज है 24 जून 2019। सो 24 जून के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की खबरें हैं वो आपके सामने लेकर आऊँगा और ये हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। बात करेंगे एक पावरफुल थॉट के साथ आज की बात की शुरुआत। आज का थॉट है हमारा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यकीन मानिए, अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं सो आप उसमें जीत जाते हैं, लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि मैं तो हारा हुआ हूँ, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, सो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जिता नहीं सकती। सो आपको करना क्या होगा, अपने मन में ठान लेना है और उसके बाद अपने कदमों को रास्तों पे आगे बढ़ाते चले जाना है, तो आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। सो इसी पावरफुल थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे क्विक रिविजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न, हमने कल देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यक्तिगत श्रेणी है इसमें किसे प्रधानमंत्री योग सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित किया गया श्री श्री एंटोनिएटा रोजी को। और दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय ATFM परिसर का उद्घाटन कहां किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली के अंदर। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि लोकसभा सदन की कार्यवाही में सहयोग के लिए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है, तो 4 सदस्यीय पैनल इसमें बनाया गया है। चौथा प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से जो गुजरने वाले समुद्री पोत हैं उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, तो उसके लिए ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया है। पांचवा प्रश्न है कि FATF ने 2019 में किस देश को आतंकी फंडिंग रोकने में जो असफल रहा उसके कारण ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। जून 2018 में पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला गया है और इसको बरकरार इसमें रखा गया है। छठवें प्रश्न की बात करेंगे। छठवां प्रश्न है कि एस्ट्रोबी रोबोट बम्बल ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये जो विकसित किया गया है नासा के द्वारा विकसित किया गया है। वहीं सातवां प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किए गए हैं जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। आठवां प्रश्न है कि कल्लेश्वर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। और नवा प्रश्न है कि हाथियों के लिए जल चिकित्सा किस राज्य में खोला गया है, ये खोला गया है उत्तर प्रदेश में। और दसवां प्रश्न है कि दोहा में आयोजित पुरुषों की जो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2019 है ये किसने जीती है, सो ये जीती है पंकज आटवाणी ने। तो ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्न। बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि ब्रिटिश हेराल्ड, ये एक मैगजीन है जो कि ब्रिटेन में निकलती है, इसने किसे दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में चुना है, तो इस पत्रिका के द्वारा चुना गया है नरेंद्र मोदी जी को सबसे ताकतवर नेता के रूप में, राइट। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इनके नीचे कौन कौन है, 2 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे कौन है, उनकी हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको विश्व के सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में चुना गया है और ये चुना है ब्रिटिश हेराल्ड का एक रीडर्स पोल हुआ था। रीडर्स पोल का मतलब जो उसको पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने वोटिंग उसमें की थी और 2019 का सबसे ताकतवर शख्स चुना गया है। दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दूसरे नंबर पर हैं, जबकि तीसरे स्थान पर कौन है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति इसमें तीसरे स्थान पर हैं। चौथे स्थान पर इसमें चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार सुरक्षा विधेयक, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं ट्रिपल तलाक विधेयक के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम है मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार सुरक्षा विधेयक। इसको किस सदन में प्रस्तुत किया गया है, तो इसको जो प्रस्तुत किया गया रविशंकर प्रसाद जी जो कि मंत्री हैं नई सरकार में भी और उनके द्वारा लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए कि आखिर ये क्या बिल है और क्यों प्रस्तुत किया गया है। सो कानून मंत्री हैं वर्तमान में रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने 3 तलाक की जो मुस्लिम समाज के अंदर कुरूति है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस विधेयक को लाया गया है लोकसभा में। इसका नाम है मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार सुरक्षा विधेयक 2019। अच्छा, पिछली बार जो सरकार थी NDA की, उस सरकार में भी फरवरी के महीने में इसके अध्यादेश जारी किया गया था और विधेयक भी लाया गया था, विधेयक लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन चूंकि लोकसभा भंग हो गई थी उसके बाद ये विधेयक निष्प्रभावी हो गया क्योंकि विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था। तो यहाँ पर एक पॉलिटिक की बात भी समझ लीजिए आप कि अगर कोई विधेयक है जो लोकसभा के अंदर पास हो जाता है और राज्यसभा में भेज दिया जाता है और उसके बाद अगर लोकसभा भंग होती है और राज्यसभा में वो पारित नहीं होता है तो क्या वो विधेयक रहेगा वर्किंग, तो नहीं रहेगा, वो निष्प्रभावी हो जाता है क्योंकि लोकसभा भंग हो गई थी इसलिए। अदरवाइज क्या होता, अदरवाइज दोनों की एक बैठक बुलाई जाती, संयुक्त बैठक, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाता,
राइट। सो यहां पर आपको देखना है कि ये पिछली बार भी लेके आए थे, लेके आया गया था। बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा जो है निचला सदन होता है लेकिन लोकप्रिय सदन भी होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सीधे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। 5 साल की कार्यकाल इसका होता है। 552 इसके अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। वर्तमान में 543 प्लस 2 हैं, 2 जो हैं एंग्लो इंडियन होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 331 के तहत। ये कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आपने बताया भी था। तो कुल 545 सदस्य संख्या है। गठन होता है अनुच्छेद 81 के तहत और वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक देश से टीबी जो एक बीमारी है उसके उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की है। तो ये योजना तैयार की गई है 2025 तक के लिए, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब ये क्या योजना है और इसकी डिटेल हम बात करते हैं। तो सरकार ने क्या किया है, 2025 तक देश से टीबी को पूरी तरह से उन्मूलित कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उसके लिए एक योजना तैयार की है और इसकी जानकारी दी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के जो राज्य मंत्री हैं वर्तमान, उसमें वर्तमान इसका मतलब यह है वर्तमान सरकार के अंदर अश्विनी कुमार चौबे। और अश्विनी कुमार चौबे हाल ही में चर्चा में रहे हैं क्योंकि बिहार से ये आते हैं राज्य मंत्री जी, और बिहार में जो चमकी बुखार चल रहा है उसके बाद लगातार ये अश्विनी कुमार चौबे चर्चा में रहे हैं, इसलिए याद रखिएगा। और इन्होंने बताया कि देश में प्रतिवर्ष तपेदिक के लगभग 27.5 लाख मरीज आते हैं और कुल संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सर्वाधिक संख्या है। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो देश में 5.5 लाख से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। सो इसको पूरे लोगों को स्वस्थ किया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था इसमें बनाई जाएगी। बात करेंगे टीबी की। टीबी का मतलब पूरा क्या होता है, ट्यूबरोकुल बेलियाई करके एक जो है। बात करेंगे टीबी की। टीबी का पूरा नाम होता है ट्यूबरोकुल बेसिलाई और ये इसी प्रकार का एक विषाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा ये फैलता है। अन्य क्या नाम है टीबी के, तो तपेदिक क्षय रोग या यक्ष्मा इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, हिंदी में पूछ लिया जाता है कभी कभी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 जून को, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है 23 जून। अब इसकी डिटेल देख लीजिए कि क्यों ये मनाया जाता है। सो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और ये दिवस मनाया जाता है लिंग, आयु, पुष्ट क्षमता यानी किसी भी प्रकार का इनमें से कोई भेदभाव के बिना दुनिया के जितने भी खेल हैं उन खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। अब बात करते हैं क्यों मनाया जाता है। इसकी बात करने से पहले मैं ओलंपिक के बारे में सामान्य जानकारी दे दूं। इसकी शुरुआत 1896 में हुई थी ग्रीस की राजधानी एथेंस से और अंतिम जो ओलंपिक हुए हैं वो 2016 में हुए हैं रियो डी जेनेरियो में ब्राजील के अंदर। हर 4 साल में इनका आयोजन किया जाता है। पेरिस में एक्चुअल में क्या हुआ था, 23 जून 1854 को इसको आयोजन किया गया था, राइट। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत के वजह से, राइट, 1896 है ये एक्चुअल में 1896, सो उसकी वजह से 23 जून में इनकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका ये दिन मनाया जाता है। और अगला जो ओलंपिक होगा 2024 जो होने वाला है वो पेरिस में होने वाला है। 2028 की बात करें तो लॉस एंजलिस में होगा, जबकि 2020 की बात करें तो वो टोक्यो के अंदर आयोजित होने वाला है। भारत ने 1920 में पहली बार इसमें भाग लिया था और 1928 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था जब पहली टीम अपनी वहां पर पहुंचाई थी हॉकी में। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है पांचवा कि G20 ये शिखर सम्मेलन है और इसका आयोजन, इसका शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाना है जापान के अंदर 2019 में। जापान का ओसाका एक शहर है, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या है। सो जापान का शहर है ओसाका, वहां पर जो है 28 से लेकर 29 जून को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है और भारत में भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। अच्छा, इसी में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं हमारे सुरेश प्रभु, इस सम्मेलन में भारत के शेरपा होंगे। अब ये शेरपा क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में शेरपा जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होते हैं उसकी बैठक की तैयारी के लिए राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के प्रतिनिधि होते हैं, यानी भारत के ये प्रतिनिधि हैं भारत की तरफ से और ये भारत उस पूरी बैठक की तैयारी करेंगे। इस बार का जो विषय है भविष्य का मानव केंद्रित समाज, इस बार का ये जो विषय रखा गया भविष्य का मानव केंद्रित समाज रखा गया है, ये आपको याद रखना है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे
अगले प्रश्न की, उससे पहले मैं आपको परीक्षा दृष्टि में कुछ G20 के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअल में ये याद रखिएगा, ये किसी राज्य के या किसी देश के जो प्रमुख होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं उनका सम्मेलन नहीं है, बल्कि ये जो समूह है वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं, जैसे भारत की सेंट्रल बैंक RBI है उसकी गवर्नर, तो उनका जो वित्त मंत्री है भारत के और गवर्नर्स हैं उनका समूह है। इसके अंदर 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, राइट, और इन 20 अर्थव्यवस्थाओं में से 19 देश है और एक यूरोपीय संघ है, इस प्रकार से कुल 20 होते हैं। G20 के नाम से इनको जाना जाता है। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, छठवां है कि हाल ही में लक्ष्मी निवास बैंक और किस एक और संस्थान के विलय को मंजूरी प्रदान की गई है। सो ये मंजूरी प्रदान की गई है इंडिया बुल्स हाउसिंग और लक्ष्मी निवास बैंक के विलय को। अब डिटेल देख लीजिए कि आखिर क्या है। सो भारतीय जो प्रतिस्पर्धा आयोग है जिसको CCI कहा जाता है, इसने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का लक्ष्मी विलास बैंक के साथ में विलय को मंजूरी दे दी। अप्रैल 2019 में लक्ष्मी विलास जो बैंक है और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, इसके विलय की घोषणा की गई थी। और उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है अधिक पूंजी आधार बनाना, यानी दोनों मिलकर अधिक पूंजी का आधार इनका हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म CCI होता है। ये एक विनियामक संस्था, विनियामक का मतलब ये होता है कि ये काम करती है जो बाजार है, बाजार के अंदर स्वच्छ रूप से प्रतिस्पर्धा हो, मोनोपोली किसी की ना हो, इस प्रकार की, राइट, ताकि जो बाजार है उसमें उपभोक्ताओं के हितों को साधा जा सके, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके, राइट। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, वो सातवां प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने छात्रों को विद्यालय जाने आने के खर्च देने का निर्णय किया है। सो ये जो निर्णय किया गया है ये उड़ीसा की सरकार ने किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए कि निर्णय क्यों किया गया और क्या ये निर्णय है। सो उड़ीसा की सरकार ने राज्यों के जो छात्र हैं उनको विद्यालय आने जाने के खर्च देने का निर्णय किया है, और राज्य सरकार ने विद्यालय के अंदर जो उपस्थिति बढ़ाई जाए उसके लिए 1 किलोमीटर से दूर रहने वाले जो छात्र हैं उनको आने जाने का खर्च दिया जाएगा, और ये केवल उन विद्यार्थियों को दिया जाएगा जिनकी उपस्थिति 30% से अधिक होगी। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य है। बात करेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री भी हाल ही में नवीन पटनायक जी चुने गए हैं नए कार्यकाल के लिए, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आठवां है कि किस देश ने महिला हॉकी सीरीज फाइनल टूर्नामेंट जीत लिया है और उसके बाद ओलंपिक क्वालिफायर के अंतिम दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ये टीम है भारतीय महिला हॉकी टीम, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए कि कौन सा टूर्नामेंट जीता है। तो भारतीय महिला ने FIH सीरीज की जो फाइनल हॉकी टूर्नामेंट था उसका खिताब जीता है, और इन्होंने जो है हिरोशिमा हॉकी स्टेडियम है उसमें हराया है जापान को 3-1 से। अब इस जीत के साथ ही 2020 का जो ओलंपिक क्वालिफायर है उसके अंतिम दौर के लिए भी भारतीय टीम क्वालिफाई कर चुकी है, मतलब उसमें खेलेगी, और उसमें भी अगर भारतीय टीम जीतती है तो वो ओलंपिक में खेलेगी भारतीय महिला टीम। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है नवा कि 2022 में वर्मिंगहम में होने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, और इन गेम्स में किसको शामिल किया गया है। तो इन गेम्स में आप शामिल कर लिया गया है महिला क्रिकेट को भी, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है 2022 के वर्मिंगहम कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है ये। सो 2022 में बर्मिंगहम में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल जिनको कहा जाता है, इसमें महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है, और अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स की फेडरेशन है उसके सदस्यों की इसको मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन मंजूरी मिल जाएगी, और ये फैसला किया गया है ICC के प्रयासों के विहार पर। बात करते हैं हम कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो 1930 में कनाडा का एक शहर है हैमिल्टन, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी, और तब इनको जाना जाता है ब्रिटिश अंपायर खेल के नाम से जाना जाता था। 1978 से इनको कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल गेम कहा जाता है, और हर 4 साल में इनका आयोजन किया जाता है। बात करेंगे 10वें और अंतिम प्रश्न की। 10वां प्रश्न है कि विदेश में T20 लीग खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन होंगे। तो पहले भारतीय क्रिकेटर जो T20 लीग खेलेंगे विदेश में वो होंगे युवराज सिंह। अब किस देश के लिए खेलेंगे, और ये भी याद रखिएगा युवराज सिंह के बारे में, हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है।
अब इनकी डिटेल देख लीजिए क्या है। सो कनाडा की जो T20 लीग है उसमें टोरंटो नेशनल टीम है, उस टीम ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को विदेशी खिलाड़ी के रूप में चुना है और इस चुनाव के बाद वो अब T20 लीग खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी होंगे विदेश में। न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम और वेस्टइंडीज के कायरन पोलार्ड भी इसी टीम का हिस्सा हैं। पांच टीमों का कनाडा T20 लीग है जो 25 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित की जाने वाली है। सो ये थे हमारे करंट अफेयर के प्रश्न। आप हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, एग्जाम गुरु जी ऐप, जहां पर आपको डेली फ्री करंट अफेयर्स, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी बुक्स, वीडियोस और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सो ये वीडियो करेंगे हम यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।